आज के इस शोक सभा में उपस्थित हमारे पार्टी के राज्य के अध्यक्ष श्री समीर मोहंती जी, हमारे वरिष्ठ नेता और भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, मनमोहन भाई और यहाँ इस क्षेत्र के सभी वरिष्ठ सज्जन वृंद, विभिन्न सामाजिक और राजनैतिक और धार्मिक संस्थाओं को प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सभी हमारे वरिष्ठ महानुभाव और मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का विषय है कि विष्णु बाबू को आज हम अपने बीच में नहीं देखते हैं। वह हम सबको मध्य आयु में ही छोड़ करके चले गए। ये हम सबके लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, पार्टी के लिए और इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। विष्णु बाबू का मध्य आयु में चले जाना हम सबको द्रवित भी करता है, दुखी भी करता है और जो कार्य वो कर रहे थे वो अधूरा देख करके, जो सपना उनका था उसको बिना पूरा किए उनको जाना पड़ा, ये हम सब के लिए बहुत ही दुख की बात है। विष्णु बाबू कुछ दिन पहले मुझसे दिल्ली में मिलने आए थे, हमारी उनके साथ लंबी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, सभी विधायक साथ में थे। मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरी और उनकी अंतिम मुलाकात होने वाली। जब मुझे पता चला कि विष्णु जी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, फिर यह भी जानकारी मिली कि ठीक हो गए हैं, डिस्चार्ज होने वाले हैं, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था और वो हमको आकस्मिक छोड़ करके चले गए। इस क्षति की पूर्ति समाज के लिए, परिवार के लिए, पार्टी के लिए और प्रदेश के लिए करना बहुत कठिन है। विष्णु जी एक बहुत ही बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। सामाजिक जीवन उन्होंने विचार के साथ जिया था और विचार के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया था। वह गरीबों के रहनुमा थे, गरीबों की चिंता करने वाले थे, गरीबों के साथ अपने आप को आत्मसात कर लेते थे, गरीबों के हमदर्द थे, समाज में सभी को बराबर देखने की उनकी शक्ति थी और एक संवेदनशील व्यक्तित्व हमने उनमें देखा। कभी भी कोई कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए उनका व्यक्तित्व नहीं था, उनका व्यक्तित्व हमेशा देने के लिए था। वह समाज को देना, गरीब को देना, उनको मदद करना, इसके लिए ही उन्होंने अपना जीवन लगाया। मध्य आयु में जाने का कारण भी शरीर रहा और शरीर को भी उन्होंने बहुत कम समय में अथाह कष्ट देकर समाज की सेवा की, जिसे हम कहते हैं कि शरीर पर भी उन्होंने जितना ध्यान देना चाहिए था वह समाज की तड़पन के कारण वो ध्यान नहीं देते थे और लगन एक ही रहती थी कि हम समाज के लिए काम करें।
और उनकी लगन, उनकी तड़पन हमको उनकी लेखनी में भी देखने को मिलती है। फिर चाहे लेख हो, चाहे कविता हो, संवेदनशील व्यक्तित्व उन्होंने जो था उनका, वो हमको एक लेखक के रूप में, एक कवि के रूप में भी देखने को मिलता है। आम आदमी का नेतृत्व करते हुए, आम जन की तरह जीते हुए, उन्होंने समाज में तप करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। ऐसे व्यक्तित्व से हम सब लोग प्रेरणा भी लेते हैं और जो क्षति हुई है उसकी हम पूर्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन विष्णु जी को सही श्रद्धांजलि ये होगी कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें, समाज के प्रति संवेदनशील रहें, इंसानियत के लिए हम हमेशा समर्पित रहें। और यहाँ हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वह उनसे प्रेरणा लें कि आम परिवार में पैदा हुआ लिया हुआ व्यक्ति किस तरीके से समाज की सेवा कर सकता है, इसके वो उदाहरण थे और वही उदाहरण हमको भी बनना है। ऐसी हमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुझे आज उनके परिवार के सदस्यों से मिलने का मौका मिला, श्रीमती जी से भी मिला, बच्चों से भी मिला। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को शक्ति मिले कि वो इस दुख भरी घड़ी को सह सकें, और समाज में हम सबको प्रेरणा मिले कि हम उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित हों। आज ऐसे व्यक्तित्व को सही श्रद्धांजलि देने का रास्ता भी यही है कि हम उनसे प्रेरणा लेते हुए समाज में काम करें, यही मैं आज कहना चाहता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।